हमीरपुर जिला के कंजार में ट्रेड फेयर लगाया गया है। ट्रेड फेयर का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने रिबन काट कर किया। यह मेला 8 जनवरी से 8 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। मेले में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर वर्ग के लोगों के लिए सामान उपलब्ध है और लोग काफी संख्या में पहुंचकर मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कमलेश कुमारी, झिंडुत्ता के विधायक जेआर कटवाल, स्थानीय प्रधान कर्मी देवी प्यारे लाल शर्मा, दलवीर ठाकुर, वीना शर्मा, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि समेत स्थानीय ग्रामवासी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि ग्रामीण मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जहां समाज के सभी लोग मिलजुल कर गांव के साधारण परिवेश में अपनी खुशियां बांटते हैं। धूमल ने कहा कि गांव के लोग वर्षों से मनाए जा रहे मेलों से एक दूसरे से जुड़ते हैं। समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी मेलों के माध्यम से अच्छी तरह होता है। प्रसन्नता की बात है कि हिमाचल प्रदेश मेलों और त्योहारों का प्रदेश है। हर वक्त कोई न कोई मेला चलता रहता है। बहुत सारे मेले ऐतिहासिक होते हैं, कोई धार्मिक होते हैं, कोई मौसमी होते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों परिस्थितियां और हालात बदलते हैं मेलों के स्वरूप भी बदल जाते हैं। आज संसार वैश्विक तौर पर व्यापारिक हो गया है। ये मेला वास्तव में ट्रेड फेयर है, व्यापार का मेला है, और दावा है लोगों का कि यहाँ पर जो चीज़ दुकान में मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा सस्ती मिलती है। तो लोग आते हैं, आनंद भी लेते हैं, झूले भी झूलते हैं, मिलते भी हैं और सामान भी खरीदते हैं। पुराने मेलों का कंसेप्ट होता था जाना मिलना, मिठाई खाली। इसमें साथ में जो परचेज का पहलू आ गया, जो सामान खरीदने का आ गया, वो महत्वपूर्ण है। पिछले साल भी एक महीने तक चला था, सफल रहा है। इस साल भी इसकी सफलता के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। हम विश्वास है लोगों को अच्छा सामान मिलेगा, सही सामान मिलेगा, पंचायत को भी आमदन होगी, स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा और सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मेले और त्यौहार वैसे भी मेल जोल बढ़ाते हैं, हम विश्वास है मेला भी वही काम करेगा। साथ ही यहाँ मंजीत जी निर्णय सरकार को लेने होते हैं, और मेला जैसे मैंने कहा ट्रेड फेयर है, जिला स्तरीय तो वो होते हैं जो कल्चरल प्रोग्राम वाले होते हैं, उनमें थोड़ी आर्थिक सहायता मिलती है आयोजकों को। इसमें क्योंकि पूरी तरह से मैंने कहा व्यापारिक मेला है, तो इसका जिला से मेला बोलने का कोई औचित्य नहीं है। तो अपनी तरह से प्रदेश स्तर का समझें, प्रदेश से आके लोग खरीदें बेचें, इसमें कोई गवर्नमेंट ने कोई एड नहीं देनी है, न देनी होती है ऐसे मेलों में करते, क्योंकि उसमें ऊंटों के माध्यम से ही सारा कारोबार कहते चलता था। फिर एक वो दौर आया जब कंजाल लगभग उजड़ गया, आपकी सरकार बनी, हालात बदले, स्वर्गीय शुजाती मान जी वो मेरे अध्यापक भी रहे थे, मेरे साथ शिक्षा मंत्री बने। पहले तो सड़कों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर मेवा क्षेत्र में कोई कॉलेज भोरंज में बने, लेकिन भोरंज के पास इतनी जगह उपलब्ध नहीं थी। तो कंजान के पास है जो खड्ड के साथ जगह थी, यहां पर कॉलेज का निर्माण प्रारंभ हुआ। पहली सरकार के समय इसका नीम पत्थर रखा, काफी भवन तैयार भी हो गया था, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो थोड़ा सा पैसा चाहिए था वो भी कांग्रेस सरकार में नहीं मिला। आपको याद होगा 15 अप्रैल 2008 को सरकार बनने के 3 महीने के अंदर, फिर हम यहां आए, एक ब्लॉक का उद्घाटन हुआ, दूसरे का शिलान्यास हुआ, और हिमाचल दिवस का भी सबसे बड़ा कार्यक्रम आपके कंजान में ही हुआ था।